गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड. दिस इज़ योर इंग्लिश लेक्चर. टुडे वी रीड लेसन 9, द शेलफिश जेंट. शेलफिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचता है. और जेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल. मतलब इस कहानी में जो टाइटल है वो जेंट किसको बोल रखा है? एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही बड़ा है, तो उसको क्या नाम दे रखा है? जेंट. वैसे हम जेंट किसको बोलते हैं? दानव को. लॉन्ग अगो इन अ फार अवे लैंड, बहुत समय पहले बहुत दूर एक धरती पर, देयर वाज अ स्मॉल टाउन, वहाँ पर एक छोटा सा टाउन था. देयर वाज अ बिग प्लेस इन द टाउन, उस टाउन में, छोटे से टाउन में एक बहुत बड़ा प्लेस था. द प्लेस हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन, और उस प्लेस पर, उस जगह में एक बहुत सुंदर गार्डन था, फुल ऑफ फ्लावर्स, जो कि पूरी तरह से फ्लावर से भरा हुआ था. उस गार्डन में क्या थे? चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे. अ जेंट वाज द ओनर ऑफ द प्लेस एंड गार्डन, और वहाँ का जो ओनर था, ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक. वहाँ का जो मालिक था उस प्लेस का और गार्डन का, वो कौन था? एक जेंट था, एक बहुत विशाल आदमी था. वन डे सम चिल्ड्रन ऑफ द टाउन वर पासिंग थ्रू द गार्डन, कि एक दिन कुछ बच्चे उस गार्डन के पास में से, टाउन में निकल, उस टाउन में से, उस गार्डन के पास से निकलते हुए जा रहे थे. दे वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटिफुल गार्डन, और वो उस सुंदर से गार्डन को देखकर क्या हुए? बहुत हैरान हुए. दे प्लेड देयर, वे वहाँ खेलने लगे. दैट टाइम द जेंट वॉज नोट एट हिज होम, वह उस समय जब वो बच्चे उस गार्डन में खेलने लगे, उस समय वो जो दानव था, वो विशाल आदमी था, वो अपने घर पर नहीं था. चिल्ड्रन प्लेड देयर टिल इवनिंग एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू देयर होम्स. चिल्ड्रन, वो जो बच्चे थे, वहाँ पर इवनिंग तक खेलते रहे और उसके बाद वो अपने घर चले गए. नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे अगेन केम टू द गार्डन टू प्ले, वो दोबारा से उस गार्डन में खेलने के लिए आए. द जेंट वॉज एट होम दैट टाइम, लेकिन अब की बार क्या था? वो जो विशाल आदमी था वो उस समय अपने घर में था. एंड ही हियर्ड द नॉइस ऑफ द नॉइस इन द गार्डन, और उसने अपने गार्डन में क्या सुना? शोर सुना. हियर्ड का मतलब सुनना और नॉइस का मतलब शोर को. ही पीप्ड थ्रू द प्लेस विंडो एंड सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. पीप्ड का मतलब होता है झांकना. झांकना का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा छुप के देखना. उसने क्या करा? जो उसके घर की विंडो बनी हुई थी उसमें से छुप के देखा, और उसने क्या देखा? कि कुछ बच्चे गार्डन के अंदर खेल रहे हैं. ही केम टू द गार्डन एंड शाउटेड एंगरली, उसने क्या करा? वो फटाफट से गार्डन में आया और उसने गुस्से से चिल्लाया, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माय गार्डन, कि आप मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो? दिस इज माय गार्डन एंड ओनली आई कैन प्ले इन इट, वो क्या कहता है? ये सिर्फ मेरा गार्डन है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ. रोड द जेंट, वो बड़ा दानव आदमी चिल्लाया. द चिल्ड्रन लुक एट द जेंट, जैसे ही बच्चों ने उस विशाल आदमी की तरफ देखा, दे वर फीलिंग वेरी फियर टू सी सच अ ह्यूज जेंट विद बिग रेड आईज एंड अ बिग नोज लुकिंग डाउन एट देम, कि जैसे ही उन बच्चों ने उस विशाल आदमी की तरफ देखा, वो क्या हुआ है? डर गए. किस चीज़ से डर गए? उसकी, उस बहुत बड़े दानव को देखकर, उसकी लाल लाल आँखों को देखकर और उसकी एक बड़ी सी नोज को देखकर वो डर गए. दे रन फॉर देयर लाइफ, कि वे अपने आप को बचाने के लिए भागे, क्योंकि वे डर गए थे, तो वो, उनको लगा कि शायद दानव उन्हें कुछ करना दे, इसलिए वो वहाँ से भाग गए. दे डिड नॉट कम टू द गार्डन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, अब वे डर गए थे तो वो कई दिनों तक अब गार्डन में नहीं आए. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.